आ जा। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू मीनाक्षी क्रिएटिव व्लॉग। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक। और जैसे कि आप लोग हम लोगों को देख रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं गाड़ी में और आज मैंने फर्स्ट टाइम ये वाली साड़ी पहनी है। पिंक एंड येलो का कॉम्बिनेशन है ये, तो आज बहुत सुंदर लग रही थी। मतलब पहली बार नहीं पहनी, बहुत दिनों बाद पहनी है, तो वीडियो में पहली बार पहनी है ये वाली साड़ी मैंने। तो आज जा रहे हैं हम अपने मामा जी के यहाँ, मतलब कि जो ये काविंदर जी हैं इनके मामा जी के यहाँ जा रहे हैं। वहाँ पर है एक फंक्शन, तो उसको अटेंड करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। और काफ़ी सारे हो रहे हैं तो दोनों गाड़ियों में डिवाइड हो गए थे, तो एक में अंकिता दक्ष में और प्रदीप जी और कोशी भैया चला रहे हैं और दूसरी वाली गाड़ी को चला रहे हैं काविंदर जी। तो हम लोग सारे निकल गए हैं और वही दक्ष का स्टाइल अपना फ़ोन दिखाने का। और गाने चल रहे थे गाड़ी में तो मैंने मतलब बंद नहीं कराए थे, मैंने कहा चलो चलते रहने दो। और अभी आपको मैं दिखाऊंगी वहां पर जाते हुए सांसें अटक गई हमारी रास्ते में, ऐसा क्या हुआ वो आप जरूर देखिएगा। इतना डेंजरस रास्ता तो मैंने पहली बार ही देखा था। मेरा आदमी गाड़ी लेना है। भैया नमस्ते। अरे साहब नमस्ते। काविंदर जी नमस्ते। जब सब नमस्ते कर रहे हैं तो काविंदर देखो भाई आराम से उतारियो, है ना? बोलना करता है ना, क्योंकि हमको लगता है डर यार इस पुल की। तो मतलब इसकी बाउंड्री क्यों ना करवाई? भैया बाउंड्री हो जाएगी तो छोटा हो जाएगा। तू चुप रह, ज्यादा मत बोल। इसका बोनर थोड़ा सा उच्चा। इधर को आने की जरूरत नहीं है आपके, समझ गए? क्यों? बिल्कुल भी नहीं ना, इधर से नहीं आएंगे हम तो दूसरे कोई आएंगे बस। हाँ ये क्या दिक्कत है? ना 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 ना, हमें नहीं आना इस रास्ते से अब दोबारा। सांस अटक रही है बिल्कुल, ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे, तो गर्दन में नीचे है। तो देखा आप लोगों ने कितना डेंजरस रास्ता है भाई, पता नहीं यहाँ के लोकल लोग कैसे निकलते हैं रोज रोज यहाँ से। भाई हम लोगों ने तो कान पकड़ लिए थे कि दोबारा हम लोग यहाँ से नहीं आएंगे, पर हुआ क्या वो भी मैं अभी आगे बताती हूँ आपको। मैं अंकिता बैठी हूँ, भूख लग रही है। हम धीरे धीरे बोल रहे हैं भूख लग रही है। कुछ खा के आई थी? ये ना खा के, मैं तो खा के आई थी मैगी। मैं तो बहुत कुछ गया था पर मैंने खाने का टाइम नहीं मिला। सुबह सुबह जल्दी जल्दी ना तैयार होने में भी टाइम लगा। चलो हाँ मिलते हैं टेंट में जब खाएंगे हम। जल्दी देखिए बाल कितने बुरे आ रहे हैं मेरे। तुम्हारे ब्लैक आ रहे हैं? मेरे हैं ब्लैक। अगर थोड़े आ रहे हैं मामा आइए जा देखा अपनी मेहमानों को, तुम रक्षा करो। किसी को तो पहचान है नहीं तेरे मामा का। हां अपने मामा की पहचान कर दो बेटा। हां किसी को पहचान है? अपने मामा की पहचान कर ले बेटा तू। हैं अभी थोड़े ही आया तू तो आ रही है तो वहां जा जाना दावत में जा। तो यहाँ पर हम लोग सब पहुँच गए थे, बैठे हुए थे ही, अब सब लोग जा रहे थे खाना खाने के लिए, तो हम लोग भी बस जाने लगे, मैं और अंकिता भी। हम लोग पीछे रह गए सबसे, मैं और अंकिता। तो हाँ मैं वो चीज़ बता रही थी आपसे, हम लोगों ने मना किया कि दोबारा हम लोग इस रास्ते को नहीं जाएंगे, पर आना भी हम लोगों को इसी रास्ते से पड़ा। वो पुल ऐसा है कि उसकी बाउंड्री नहीं है दोनों तरफ से, और ये भाई बड़ा
टिपिकल है भाई, पता नहीं कैसे उतरते हैं लोग उस पर से, मतलब अगर जरा सी भी चूक हुई ना तो गाड़ी सीधा नीचे। और सबसे मजे की बात, उधर से आते हुए कोशी भैया ने ही उतार दी थी गाड़ी, और बीच पुल पर जाकर कह रहे हैं वो हमसे कि मेरे पैर कांप रहे हैं, मतलब सांसें अटक गई, बिल्कुल मौत को छू के आए हैं बिल्कुल। तो आइए, बातें हो गई बहुत, अब मैं आप लोगों से मिलवाती हूँ। ये है मेरी ननंद और पीछे है मौसी जी, और ये दोनों देवरानी। आवाज डालनी पड़ेगी इसमें। और ये है मौसी जी हमारी, और ये मेरी दोनों दोरानी। मैं दिखानी हूँ इनकी और आ जाओ। तो यहाँ पर मैंने अपनी दोनों देवरानी से मिलवा दिया है, ये मौसी जी की बहुएं हैं दोनों। और जो सबसे मेरी फेवरेट चीज़ होती है कहीं पर भी जाने के बाद, सबसे पहले मैं टिक्की खाती हूँ। और मेरे पेट में प्रॉब्लम हो रही थी तो काविंदर जी ने बहुत कहा था कि कुछ नहीं खाना, मतलब सिर्फ दाल वगैरह खाना, पर जाकर ना कंट्रोल नहीं हुआ टिक्की को देख के, तो टिक्की तो खानी मस्ट थी। तो थोड़ा सा पेट में दर्द शाम को फिर और थोड़ा सा हो गया फालतू ऐसे। और फिर पता है एक और चीज़ जो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है, गोलगप्पे, वो जो मैंने खाए और जो उसका पानी अंदर गया है पेट में, अब वो जो मिर्ची वाला पानी जो लगा है, कसम से भूल गई फिर तो मैं सब कुछ। तो बस यहाँ से खाना वाना खा के फिर हम लोगों ने किया थोड़ा सा डांस, और डांस करने के बाद हम लोग घर पर आ गए। थोड़े से दूसरे वाले मामा जी के यहाँ पे गए, तो वहाँ पे भी थोड़ी सी मैंने व्लॉगिंग की है, तो आप लोगों को सबसे मिलवा दिया। इन लोगों को तो आप लोग जानते ही हैं, ये हमारी अंकिता है, उधर मेरे पास चाची जी खड़ी हैं। और ये दिन का फंक्शन था हम जहाँ पर हम लोग गए थे मामा जी के यहाँ पे। और ये थोड़ा सा पता है क्या हो जाता है गड़बड़, कि जहाँ पर फ़ोन रख देती हूँ ना तो वहाँ से निकलते रहते हैं। तो मैं यहाँ उनसे कह रही थी भाई थोड़े से आगे हो जाओ, क्योंकि फिर हाथ में पकड़े पकड़े या फिर किसी को दो थोड़ा सा ऑफर्ड सा लगता है, मतलब कि हाँ भाई इनको इन्होंने फ़ोन दे दिया। और फिर यहाँ पर काविंदर जी आए थे स्पेशली मुझे देखने के लिए कि मैं क्या खा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं दाल ही खा रही थी, मैंने कहा देखो दाल खा रही हूँ, मैंने और कुछ खाया ही नहीं है। तो फिर उसके बाद जो है दीदी मुझे डांस के लिए ले गई, डांस किया, थोड़ा सा डांस किया मैंने, आता वाता नहीं है, बस ऐसे ही कर लिया मैंने। और उसके बाद जो है उसी रास्ते से हम लोगों को आना पड़ा, क्योंकि दूसरा वाला रास्ता हो रहा था खराब, तो वापस भी हमें उसी रास्ते से आना पड़ा जो कि बहुत डेंजरस था। और ये हैं वो भैया जिनका तिलक था, मतलब जिनका लगन रिश्ता था, ये हमारे मामा जी के बेटे हैं। तो ये खड़ी हैं हमारी चाची जी, और फिर उसके बाद ये दोनों दीदियों ने शुरू कर दिया है यहाँ पर। पता है बहनों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है अपने भाई की शादी में, सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है बहनें ही खुश होती हैं। एक तो सजने संवरने का मौका मिलता है, दूसरा जो है भाई भाभी आ रही है घर में तो एक अलग ही खुशी होती है। तो पूरी मस्त थी दोनों बहनें उनकी ये। और बस थोड़ा सा मैंने बस थोड़ा सा ही किया था, और यहाँ पर दिखा दूँ घर वाले सारे इधर सामने ही बैठे थे, तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था, मैंने कहा कि थोड़ा दक्ष जो है ना वो करता है, अरे मामा बस रहने दो ना, चलो बस चलो, उसको थोड़ा सा ऐसे लगता है। तो फिर बस मैंने थोड़ा सा किया, वो सामने ही बैठा था, और पूरी टेबल घेर कर ना फिर बैठे हैं आराम से। मैंने कहा सबके सब खाए जा रहे हैं, शुरू से लेके अब तक खाए जा रहे हो आप लोग। तो फिर इसके बाद फिर हम लोग, थोड़ा शाम हो गई थी हम लोगों को आते हुए, तो वहीं तक की व्लॉगिंग थी। उसके बाद फिर घर आकर मैंने कुछ नहीं किया। तो यहाँ पर प्रदीप जी भी बैठे हैं, चाचा जी, कोशी भैया, पंकज है, सारी फैमिली के साथ सब लोग हैं। और अभी मिलवाती हूँ, ये हैं हमारे ही यहीं से, मतलब मेरे ससुराल से ही हैं ये, इनके भी कोई रिलेशन थी वहाँ पर, तो ये भी गए थे। ये मेरी जेठानी लगती हैं, ये उनकी बेटी है। तो हम लोग खड़े थे पीछे, तो मैं बोल रही थी कि मैंने कहा दीदी बस डांस करने का मन तो करता है, चाहे भले ही ना आए। थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ा फेस ऐसे लग रहा है मेरा। मिलो हमारी नई लड़की से। कितने ब्लॉग देखो तुम मेरे नाम से? ऑल टोटल। ऑल टोटल तो तुम कमेंट तो करती ना हो? किया भी है मैंने एक दो बार। अब अपनी आईडी बताना तब मुझे पता चलेगा कौन सी आईडी से किया। खाना खा के बैठे अंकिता मौसी की बहुत मैं तो बहुत बन रहा। अंकिता मौसी की जब से घर से आए ना जब से बनी रही, खाना खा के बैठे थे हम छत पे, गांव देख रहे हैं। सबके बताओ सबकी। लेकिन कदे पीछे देखो कैसे हाथ रख के बैठ के आराम से बात कर रहे हैं सिर पे। अंकिता का कितना बढ़िया आ रहा है। अंकिता की तरफ तो फोन आते ही ना शाइनिंग आ जाती है। मैं तो हुई इतनी सुंदर। क्या करूं मैं तो हुई इतनी सुंदर। ये बैठती इस डायरेक्शन में है कि और ज्यादा गोरी लगे। गोरी तो है ही है, और ज्यादा गोरी लगे। और ब्लैक साड़ी आज गजब ढा रही। शर्मा गई है, शर्मा गई। हम भी तो अच्छे लग रहे हैं नैन्सी। और क्या,
हम अपने आप क्या लग रहे हैं, अपने आप को, तुम सबको लग रहे हो, हम अपने आप को। हम सबकी गारंटी नहीं ले सकते।